तो इस स्कूल के अंदर भी मलबा घुस चुका है और बहुत बुरा हाल है, क्योंकि पूरे कमरों में जो है कीचड़ कीचड़ घुस चुका है। इस पुल से थोड़ा सा मैं इस तरफ हटके आया हूँ और ये वाला पुल देखिए इस तरफ से कितना डैमेज हो चुका है। ये वाला जो रोड है प्रोजेक्ट के लिए जाता था, बट यहाँ से ये रास्ता पूरा का पूरा टूट चुका है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सभी एकदम सेफ होंगे और आपका भाई भी एकदम सेफ है। बरसात जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत ही जोरों शोरों पर है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। और पिछली रात को तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि सबके होश उठ गए। बहुत जगह पे लैंडस्लाइड हो चुका है। और लेटेस्ट न्यूज आपको बता दूं कि जो हमारा कुल्लू मनाली का जो लेफ्ट बैंक रोड है, करजां और जगसुख जो विलेज है, वहाँ पे पिछली रात को बादल फट गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे यानी कि फ्लड लहासा मलबा एक तरह से बिल्कुल रोड में जा रहा था। कुछ वीडियोज मेरे पास आई हैं तो मैं उनको ऐड करके रखूंगा। बट वहां की जो लेटेस्ट अपडेट है वो वहीं जाके पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट निकलते हैं और आपको वहां का वो हाल दिखाता हूं कि वहां पे तबाही का मंजर कितना। सो गाइस, मेरे साथ है कृष्ण जी जो कि पिछले ब्लॉग में थे और इनकी सहायता मुझे भरपूर मिल रही है क्योंकि मेरे पास बाइक स्कूटी वगैरह नहीं है। तो कृष्ण भाई देते हैं मुझे अपनी बाइक बीच बीच में, कभी कभी तो मैं सिंगल ड्राइव करता हूँ, बट आज कृष्ण भाई खुद मेरे साथ जा रहे हैं। तो ये वाली हमारी बाइक है, इसमें लिखा हुआ है देखिए डीजे कृष्ण, ये इनका नाम है। तो चलते हैं भाई, है ना? चलो सर। इस रोड में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी कि इस तरफ से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो यहाँ आगे से रोड कटता है नगर के लिए, तो यहीं से हमें मुड़ना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा जाम है, रास्ता पूरा भर चुका है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं और लोड गाड़ियाँ हैं सारी। निकल जाओ यार आगे। बहुत ही ज़्यादा जाम है, अब थोड़ी सी रात मिली है क्योंकि रोड पूरा खाली आ गए। यहाँ से हमें मात्र 10 मिनट लगेंगे। सो गाइज, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ करजां विलेज और ये मेरे पीछे का हाल देखिए। अब पूरा का पूरा रोड जो है पानी से भरा हुआ है और कीचड़ कीचड़ है। तो यहाँ पे हमारे कुछ भाई बंधु है इस तरह बैठे हुए, इनसे पूछते हैं। ये है हमारे मजदूर भाई, कहाँ से आप लोग? नेपाल से। तो किस टाइम फटा था बादल? पिछले कल कब? पिछले कल हो गया रात को 12 बजे करीब। 12 बजे के करीब फटा है। तो आप लोग कहाँ सोए थे? हम सोए थे जी गरेई आगे थोड़ा। ये वाला ये जो सामने दिखाई दे रहा मकान, ज्यादा पानी हो गया था। तो इस स्कूल के अंदर भी मलबा घुस चुका है और बहुत बुरा हाल है। मैं आपको थोड़ा सा अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे कमरों में जो है कीचड़ कीचड़ घुस चुका है। ये देखिए इस तरफ। कितना फीट तक भर गया था अंदर? अच्छा, 3 फुट तक पानी आ गया था। तो कीचड़ कीचड़ था यहाँ पे ना? तो ये मेरे ख्याल अभी साफ कर दिया थोड़ा बहुत, है ना? गांव वाले आए थे ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा कीचड़ है। और ये जो कमरे अंदर जहाँ पे बच्चे बैठते हैं वहाँ तक पानी चला गया। ये जो बादल फटा इसने पूरी जगह जो है तबाही तबाही मचा दी। ये देखिए यहाँ पे कीचड़ कीचड़। और रूम के अंदर देखिए, कुछ देर पहले ही ये कमरे साफ किए, गाँव वाले यहाँ पे आए थे, कीचड़ को निकालने की पूरी कोशिश की गई, बट आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा कीचड़ है। और ये जितना भी मलबा है इस तरफ से आया और इस स्कूल की तरफ जो है डाइवर्ट हो गया। और सामने देखिए लकड़ियाँ, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आपको दिखाई देगी जो कि बह के अंदर पहुँच गई स्कूल के अंदर। और यहाँ पे लिखा है राजकीय प्राथमिक पाठशाला करजां, यानी कि यहाँ पे
पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। सो ये था स्कूल का हाल जो आपने देखा, यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ये देखिए बेंच वगैरह, यहाँ पे सब जगह कीचड़ी कीचड़ है। ये बच्चों के छोटे छोटे यहाँ पे टेबल थे, वो भी सारे कीचड़ से लथपथ हो चुके हैं। एग्जैक्ट उस जगह पे बादल फटा था और वहाँ से जो है पानी इतना ज्यादा आया कि इतने प्रेशर से आया कि रोड को चीरता हुआ नीचे की ओर चल। सब जगह यही हाल है, देखिए पत्थर ही पत्थर और लकड़, मलबा ही मलबा चारों ओर। इसमें आप देख सकते हैं ये जो नाला है, यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा पानी है। और नीचे का हाल आपको दिखाता हूँ सामने कितना ज्यादा पानी है। और ये स्कूल के बैक साइड का एरिया है, तो इस तरफ देखिए कितना सारा मलबा आ चुका था। ये तो ट्रकों के हिसाब से है मलबा, और उस तरफ देखिए लकड़ी लकड़ी है। रोज एक नई घटना देखने को मिली, यानी बादल तो एक मजाक बन गया है, आज यहाँ फटा कल वहाँ फट गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ पे जो घर है बिल्कुल साइड में है, ये वाला जो मकान है ये भी साइड में था और ये वाला भी, और बादल जो है ऊपर जाके फटा और पानी का बहाव तो ज़्यादा ही था बट नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे। और थोड़ा सा मैं आपको नाला दिखा दूँ इस तरफ है ऊपर जाके, जहाँ से पानी ज़्यादा आ रहा है वो वाला स्पॉट आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये वाला देखिए जंगल के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, वहीं से ये नाला आ रहा है और इससे ऊपर जाके यानी कि जो चोटी है ऊपर जाके ठीक इस चोटी के ऊपर जाके बादल फटा है। तो मलबा जो है बहुत आगे तक आ चुका था और इस तरफ देखिए मकान आगे, और देखिए सब जगह यानी कि बगीचे के बीच में देखिए आप ये सारा मलबा घुस गया। और इस तरफ देखिए ये टॉयलेट वगैरह है यहाँ पे, और इससे ठीक नीचे की तरफ देखिए आप सब जगह बुरा हाल है। बड़े बड़े पेड़ नाले में बह के आ जाते हैं, तो आप सोचिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, और ये टूट के आए, बीच में से दो टुकड़े हो गए इनके। ये थी करजा विलेज की तस्वीरें। शुक्र ये है भगवान का कि यहाँ पे किसी भी घर को नुकसान नहीं हुआ और जान माल का खतरा नहीं रहा, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलते हैं जगसुख की ओर, और यहाँ से पड़ेगा जगसुख मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूर। जगसुख नाला पिछले कल में नीचे वाले का सीख हो गई है। अब 100 रुपये तो इतने पास फायदे 20,000। जाम तो इतना ज्यादा है कि पूछिए मत, जाम तो इतना ज्यादा है कि पूछिए मत, हमें जैसे कैसे निकलना पड़ रहा है। और अभी फिलहाल जाम खुल चुका है, मेरे पीछे एक दो गाड़ी है और यहाँ से लगेंगे हमें 10 मिनट मात्र। ये जो विलेज है इसको सजला के नाम से जाना जाता है, और सजला वाटरफॉल थोड़ा सा आगे पड़ता है, और यहाँ का सजला वाटरफॉल जो है काफ़ी फेमस है कैंपिंग ट्रैकिंग करने के लिए। वैसे ये लोग सितंबर के जो शुरुआत है उसमें आते थे स्पीति की तरफ से, बट लाहौल स्पीति में भी बहुत बुरा हाल है। और देखिए भेड़ पार्क जो है घर की ओर दोबारा रवाना हो रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? बालूपद्दर से, क्योंकि रोज़ नई नई घटनाएं देखने को मिल रही है कि स्पीति में जो है बहुत सी बेटे जो है पानी के बीच में बह के चली गई, ऊपर से नाला आया और गद्दी जो हमारे लोग हैं भेड़ पालक ये सोए हुए थे और अचानक ही ऊपर से नाला आता है और भेड़ बकरियां उसमें बह के चली हैं। तो ऐसे में सभी लोग परेशान हैं, और देखिए भेड़ पालक भी अपने घर की ओर जा रहे हैं वापस। लेफ्ट बैंक रोड में बहुत ज़्यादा जाम है, क्योंकि एक यही रास्ता है मनाली के लिए, कनेक्टिविटी के लिए लेह लद्दाख तक गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ऐसे में जो है जाम उतनी है कि जाम तो लगना ही है। ये देखिए पूरा पैक आगे तक, पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ भी गाड़ियाँ हैं। हम पहुंच चुके हैं जगसुख विलेज के पास, और आगे जाके देखते हैं बादल कहां पे फटा हुआ है और कितना ज़्यादा यहां पे नुकसान हुआ। जगसुख विलेज से पहले ये वाला जो ब्रिज है ये देखिए न्यू वाला है, और पुराने वाला जो ब्रिज है ये टूट चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूं वो वाला ब्रिज जिसके ऊपर से गाड़ियों की अक्सर आवाजाही रहती थी, ये तो हाल ही में बना है, बट ये वाला ब्रिज जो है काफ़ी सालों पुराना है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए पूरा पूरा टूट चुका है। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो ब्रिज है यहाँ पे लटक चुका है, और इसके पिलर देखिए कितनी भयंकर तबाही यहाँ पे हुई है। ये वाला जो एरिया है ये भी लैंडस्लाइड की वजह से
टूट चुका है नीचे, और ये वाले जो पिलर थे ये उस तरफ थे, और आप देखिए ये पुल पूरी तरह से नीचे लट गया। इतने पुराने पुराने पुल जो कि काफी सालों पुराने हैं वो इस बाढ़ की चपेट में आ गए। आप देखिए कितना ज्यादा फ्लड आया होगा ऊपर से, और इतना सॉलिड जो पुल है आज तक हमने ऐसी घटना नहीं सुनी है ना देखी है, क्योंकि इस तरह के पुल जो है पहाड़ी इलाकों में अक्सर बनाए गए हैं। किन्नौर की बात हो, चाहे चंबा की बात हो, चाहे कुल्लू या लेह लद्दाख की बात हो, तो ऐसे पुल का ज्यादा यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। आज भी इस तरह के जो पुल काफी जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे, बट ये जो है ये लेटेस्ट अभी पुल बना है। शुक्र है कि ये वाला जो पुल है ये बन चुका था। इस पुल से थोड़ा समय इस तरफ हटके आया हूँ, और ये वाला पुल देखिए इस तरफ से कितना डैमेज हो चुका है, और रास्ता देखिए ये वाला जो रोड है प्रोजेक्ट के लिए जाता था, बट यहाँ से ये रास्ता पूरा का पूरा टूट चुका है। बड़े बड़े पत्थर देखिए आप नदी में आ चुके हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ से लैंडस्लाइड हुआ बहुत ही ज़बरदस्त। जब ये पानी बड़ा होगा तो पानी इस तरफ ज़्यादा टकराया, और देखिए ये वाला जो हिस्सा पूरा का पूरा नीचे से चला गया, यानी कि जमीन से ही पूरा निकल गया, और रोड यहाँ पे नामो निशान तक नहीं है। आगे जाके आपको रोड दिखाई देगा हल्का फुल्का, देखिए ये है रोड, और यहाँ से देखिए ये वाला हिस्सा कितना कट चुका है, कटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस तरफ। इस तरह के पुल यहाँ पे बहुत सारे टूट चुके हैं, बट ये वाला लोहे का है, ऐसा मैंने पुल अभी देखा नहीं वैसे टूटा हुआ। तो चलते हैं फटाफट यकसुख गाँव की तरफ, और आपको वहाँ का हाल वो मंजर दिखाते हैं जो दिखाना बाकी है। यहाँ से शुरुआत होती है जगसुख गांव की। रोड के दोनों ओर आप देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे मकान बने हुए, तो रास्ते में देखिए आप कीचड़ ही कीचड़ है, मिट्टी मिट्टी जहाँ भी देखे यही हाल है। यही हाल करजा का था, और यही हाल यहाँ पे आप देख सकते हैं जगसुख विलेज में, सब जगह मिट्टी मिट्टी। तो यहाँ पे देखिए पाइपें वगैरह सारी टूट चुकी है, और गाँव के लोग जो है जो लोकल यहाँ के फिटर हैं उनकी मदद से जो है दोबारा से पाइपें जोड़ रहे हैं ताकि सबके घर में पानी अच्छे से पहुँच सके। इस तरफ से आया था नाला, बहुत ही ज़्यादा पानी आया था, तबाही मचाता हुआ। थोड़ा सा हम इस रास्ते की ओर चलते हैं और ऊपर जाके देखते हैं क्या हाल है। इस तरफ देखिए नाले के अगल बगल जो मकान है बिल्कुल सेफ है, इस साइड से भी पानी आ चुका था, यानी कि पानी का जो बहाव था बहुत ज़्यादा था, तो घरों को तो नुकसान नहीं हुआ है। ऊपर की तरफ से मलबा बहुत ज़्यादा आया, और पाइपें जितनी भी यहाँ पे टूट चुकी हैं इस तरफ भी टूटी हुई दिखाई दे रही हैं कुछ पाइपें वगैरह। और पानी देखिए आप, एक छोटा सा नाला हुआ करता था तो पानी का बहाव अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो देखिए इस तरफ से आया पानी। सारे के सारे घर यहाँ पर सेफ है, क्योंकि ये पक्के मकान भी है थोड़े, उतना ज़्यादा खतरा नहीं रहा। अगर कच्चा मकान होता तो शायद खतरा बन सकता था। यहाँ पे देखिए दरारें इस मकान के ठीक इधर, ये दरारें पड़ चुकी है क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा था, और उस तरफ भी आगे जाके दरारें पड़ी है जो साइड में डंगे लगे हुए हैं। क्या रोड जो है बिल्कुल मतलब एक ढांग की तरह बन चुका है, और नीचे से सारा जो है सीमेंट टूट चुका है, और रोड जो है लटक चुका है। तो इस तरफ से पानी आया, और ये जो नाला है इस तरफ से पानी चला गया नीचे की तरफ, और ये देखिए यहाँ पे जो पिलर वगैरह है ना काफ़ी टूट चुके हैं, पाइपें वाइपें देखिए इस तरफ सब टूट गए। ये था जगसुख और करजा विलेज का हाल जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में। तो आपने देख लिया कि एक ही रात में दोनों जगह पे बादल फट गया, तो बहुत ही भयंकर यहाँ पे तबाही हो रही है। मैं तो भगवान से यही गुजारिश करता हूँ कि आए दिन ऐसी घटनाएँ ना हो, और आप भी कॉमेंट जरूर कीजिएगा, हिमाचल के लिए प्रे जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय श्री राम जी।